Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to favorite YouTube channel Educational Hike. So, हमने chapter number 9, last chapter में पढ़ा reproduction in animals. अलग-अलग जानवर reproduce कैसे करते हैं. हमने इंसानों के बारे में पढ़ा कि इंसान बच्चे पैदा कैसे करते हैं. हमने male reproductive organ के बारे में पढ़ा. हमने female reproductive organ के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि एक women जब pregnant हो जाती है, उसके बाद 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बीच का प्रोसेस क्या होता है. इन सारी चीजों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है एंड आपको वो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तीन पार्ट में मैंने उस चैप्टर को डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन किया है. वो तीनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि चाहे इंसान हो या एनिमल हो, एक उम्र के बाद ही वो सेक्स करने के कैपेबल होता है या ऐसे कह लें कि बच्चे पैदा करने के लायक बनता है. क्यों ऐसा होता है? क्यों हम बचपन से ही बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? क्यों ऐसा होता है? यार, इंसान के लाइफ में ना एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पीरियड आता है ना, जब उसके फेस पर माउस्टेचेस, बियर्ड्स आने लगते हैं. आप देख रहे हो मेरे आगे हैं बियर्ड्स, मूछें आ गई हैं. उसकी वॉइस चेंज होने लगती है, उसकी हाइट ग्रो होने लगती है, उसके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर्स, कई बॉडी के अलग अलग हिस्से में हेयर्स आने लगते हैं. तो इतने सारे बदलाव हमारे इस एक बॉडी में होते हैं. एक समय ऐसा आता है, इसी समय को हम एज ऑफ एडोलसेंस का नाम देते हैं. ये इंसान की लाइफ का वो एज होता है जब उसके बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं. आपको अपोजिट सेक्स को देखकर आपको अट्रैक्शन सा फील होगा. बहुत सारी चीजें होती हैं इस 12.5 साल से 19 साल की उम्र के बीच में. और इसी गैप को, इसी 6 या 7 साल के गैप को हम एज ऑफ एडोलसेंस का नाम देते हैं, और अगर हिंदी में कहें तो किशोरा अवस्था का नाम देते हैं. अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे यार कि हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते क्यों हैं और क्यों इंसान एक उम्र के बाद ही सेक्स करने के कैपेबल बनता है या रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होता है. सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 10, एज ऑफ एडोलसेंस. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं आपका वही पुराना प्रेम भैया और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, बट लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है. यार, आपको इस चैप्टर को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना एक पबजी प्लेयर के लिए रिवाइव होना जरूरी है. अब जो ये आपकी एज चल रही है, या तो आप 13 साल के होगे, 14 साल के होगे, या ज्यादा से ज्यादा 15 साल के होगे, है कि नहीं है. अब इस एज को ही एज ऑफ एडोलसेंस कहते हैं. तो यार, है ना मजे वाली बात. अब आपके ही एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब आपके एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जैसे अगर आपके होठों के ऊपर हेयरी लाइन, मूछे आ गई होंगी, तो आप सोचते होगे ना, यार बचपन में मेरे पास मूछे तो नहीं थी, लेकिन इस एज में क्यों आ गई. तो इन सारे चेंजेस के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक इंसान रिप्रोडक्शन करने के लायक कब होता है, वो बच्चा पैदा किस एज में कर सकता है. ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक देखना. अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करना, और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके देख सकते हो. ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी After which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना हमारे इंसान के शरीर में वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से बदलाव होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसके बाद एक पर्सन जो होता है, एक इंसान जो होता है, वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है. जैसे हम 13 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, तो इस उम्र में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस हमें क्या बताते हैं, ये चेंजेस हमें बताते हैं कि अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि अब आप बच्चे पैदा करने के लायक हो चुके हो.
अब हम इस चैप्टर में इन्हीं बदलाव, इन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन चैप्टर नंबर 9 हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था जो कि पेनिस होता है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था जो कि यूटेरस होता है। इन दोनों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे, हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में 50-50 अलग अलग टाइप्स के हार्मोन होते हैं, और वो हार्मोन्स ना अपना रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं हार्मोन्स, ये हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस लाते हैं। अब यही चेंजेस हमें बताते हैं कि जो चाइल्ड है वो ग्रो कर रहा है, और कुछ दिन बाद ये जो बच्चा है वो एडल्ट बन जाएगा, वो एक बड़ा फुल्ली ग्रोन यंग मैन बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यही दो चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में टीन एज में, मतलब 13 से 19 साल के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। दूसरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या काम करते हैं हमारे बॉडी को चेंज करने में, जिससे एक बच्चा बड़ा बन जाता है, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना इन दोनों टर्म्स को क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लेना इन दोनों टर्म्स को, तभी आगे बढ़ेंगे हम। नाउ एडोलसेंस क्या होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी डिफिनेशन एडोलसेंस की, 13 से 19 साल के बीच में कोई भी पर्सन है तो हम उसे कहेंगे कि वो एज ऑफ एडोलसेंस में है, या एडोलसेंस को हम क्या कहते हैं, हम टीन एज भी कहते हैं। टीन और एज अलग अलग कर दें इसे हम, तो टीन का मतलब 13, 14, 15, 16, 18, 19, ठीक है। जो 13 साल से 19 साल के लड़के होते हैं उनको हम टीन एज कहते हैं। तो समझ गए, द एज बिटवीन 13 and 19 ईयर्स इज नोन एज एज ऑफ एडोलसेंस। अब प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, इस एडोलसेंस, इस 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच में एक एज ऐसी भी आती है, वो एज बॉयस में अलग हो सकती है, वो एज गर्ल्स में अलग हो सकती है। जैसे बॉयस में वो एज हो सकता है 12 साल का हो, लेकिन वहीं गर्ल्स में वो एज हो सकता है 10 साल में ही आ जाए। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होता क्या है एक्चुअली, प्यूबर्टी एक्चुअल में वो एज होती है, प्यूबर्टी इज द एज इन विच बॉयस एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो एज जिसमें लड़के या लड़की सेक्स करने के लायक हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं, उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है ना यार, वो 2 से 5 साल तक होता है। मतलब हर किसी की लाइफ में, चाहे आप हो चाहे हम हैं, हम हमारी लाइफ में ना कभी ये प्यूबर्टी का समय आएगा ही आएगा। जैसे बॉयस में प्यूबर्टी का समय 12 साल से 16 साल का होता है, वहीं गर्ल्स में प्यूबर्टी का समय 10 साल से 14 साल का होता है। इस प्यूबर्टी के एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे प्यूबर्टी की एज में लड़कियों के ब्रीस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, लड़कियों के पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम एमसी कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बॉयस की बात करें तो बॉयस में प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉयस की वॉइस डीपर हो जाती है, उनकी आवाज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उनका जो पिच है वो हाई लो हो जाता है, मतलब बहुत मैनली वॉइस हो जाती है। जैसे हम बचपन में रहे होंगे तो हम बहुत सुरीला बोलते होंगे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी आवाज मर्दों जैसी होती गई है, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये प्यूबर्टी की वजह से होती हैं। तो समझ गए प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी इज द एज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, समझ गए। चलो हम आगे पढ़ते हैं। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम, बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो और पहली दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, चलो स्टार्ट करते हैं हम। बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, बूझो जो है ना वो अपना 12वां बर्थडे मना रहा है, मतलब आज वह 12 साल का हो गया है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जब बूझो के दोस्त और पहेली के दोस्त पार्टी से चले गए, तो जो बूझो और पहेली थे ना, बिगेन चैटिंग, वो बात करने लगते हैं अपने
पेरेंट्स से, अपने फादर मदर से। पहली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल, पहली जो कि एक लड़की है वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है जिसमें केवल और केवल लड़कियां हैं, उसमें बिल्कुल भी लड़के नहीं है। सी स्टार्टेड लॉफिंग, अब पहली अचानक हंसने लगती है। अब उससे पूछा गया कि तुम क्यों हंस रही हो, तो पहली बताती है कि जो बूझो के स्कूल के दोस्त हैं, जो बूझो के स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो पार्टी में आए हुए थे, अब इनसे पहली लगभग एक साल बाद मिलती है, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। सबसे मजाकिया बात पहली को तो ये लगती है कि जो फ्रेंड जिनसे वो लगभग एक साल बाद मिली है, उनकी जो लंबाई है वो अचानक से बढ़ गई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, बूझो के कुछ दोस्त तो बड़े मजाकिया लग रहे थे क्योंकि उनके होठों के ऊपर हेयरी लाइन आ गई थी, क्योंकि उनके होठों के ऊपर क्या आ गई थी, मूछें आ गई थी। अब पहली तो लड़की है, उसे तो मूछें आएंगी नहीं, तो उसने पहली बार देखा था कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उनके होठों के ऊपर मूछें आ रही हैं। अब ये देखकर पहली बड़ा खुश होती है, बहुत मजा आता है उसे। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, लेकिन पहली की माँ पहली को समझाती है कि बेटा ऐसे हंसते नहीं है, अब वो लड़के बड़े हो रहे हैं और जब लड़के बड़े होते हैं ना तो उन्हें मूछें आती हैं, उन्हें बियर्ड्स आती हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, ये सारे चेंजेस होते हैं। अब पहली की माँ उसे और क्या क्या समझाती है, चलो हम बताते हैं पहली को। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, अब ये जो बढ़ने का प्रोसेस है ना, ये उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है। अब वही बच्चा जब 10 साल या 11 साल क्रॉस कर लेता है तो उसके हाइट में क्या होता है, देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ, उसकी बॉडी अचानक से ग्रो कर जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, विच बिकम्स नोटिसेबल। अब ये चेंजेस इतने तेज होते हैं, इतनी हाइट इतनी तेज बढ़ती है, कुछ दिनों में ही बढ़ जाती है कि लोगों को पता चलने लगता है कि हाँ यार इसकी लंबाई बढ़ गई है, लोग नोटिस करने लगते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, अब ये जो बदलाव हमारे शरीर में हो रहे हैं, चाहे हमारी हाइट बढ़ गई हो, चाहे हमारे होठों के ऊपर मूछें आ गई हो, ये ग्रोइंग अप का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, मतलब हमारे बढ़ने का एक हिस्सा है। ये क्या बताती हैं, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, ये हमें बताती हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम क्या हो गए हो, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। ओके, नाउ यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है, बूझो कह रहा है कि आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। चलो बूझो ने इतना समझ लिया कि हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब हमारी हाइट ग्रो हो जाती है, जब हमारे बॉडी में प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं और उस एज को हम एज ऑफ एडोलसेंस कहते हैं, लेकिन ये एज ऑफ एडोलसेंस कितने साल तक चलता है, लास्ट का मतलब कितने साल तक हमारी हाइट ग्रो होगी, ऐसा तो है नहीं ना कि हम लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे, नहीं। चलो मैं बुजुर्ग को बता देता हूं, 19 इयर्स तक, ठीक है, 19 इयर्स के बाद हमारा एज ऑफ एडोलसेंस खत्म हो जाता है, तो 13 साल में स्टार्ट होता है और 19 साल में एंड हो जाता है, दैट मींस कितने साल चला, 6 साल, ठीक है। चलो नाउ आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर पहली भी कुछ पूछ रही है, पहली क्या पूछ रही है कि इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, ये जो एज ऑफ एडोलसेंस होती है, ठीक है, ये हमारे लाइफ का बहुत ही विचित्र समय चल रहा होता है, क्यों, क्योंकि ना तो हम बच्चे होते हैं उस समय, ना तो हम बड़े होते हैं। अब पहली सोच रही है कि ये जो समय है क्या इसका कोई स्पेशल नेम है, जैसे ना तो हम बच्चे रहते हैं तो हम चाइल्डहुड तो कहेंगे नहीं, ना तो हम पूरी तरीके से बड़े हुए होते हैं तो हम एडल्टहुड भी नहीं कहेंगे, इन दोनों के बीच के समय को हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, हम कहेंगे एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरा अवस्था की उम्र, ना बचपना ना जवानी, बीच में क्या आती है, किशोरा अवस्था, जिसे क्या कहते हैं, एडोलसेंस, ठीक है। अब एडोलसेंस को आप टीनेज भी कह सकते हो, आप सब टीनेज ही हो, आपने नाम तो सुना ही होगा ना, टीनेज, जो भी बॉयज एंड गर्ल्स जिनके एज के पीछे टीन आता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इन सबको टीनेजर्स कहते हैं,
टीन एज वाले मतलब 13 से 19 साल की उम्र वाले सभी बॉयज एंड गर्ल्स को हम टीनेजर्स कहते हैं, या टीनेजर्स कह ले या एडोलसेंट कह ले, समझ गए, मतलब एक ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, हमारे बॉडी का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी लिविंग बींग्स हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे हम इंसान हो, हम ग्रो करते ही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ When the body undergoes changes, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आती है सामने। क्या है डिफिनेशन? द पीरियड ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ, हमारी जिंदगी का वो समय जब हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। किस तरीके के बदलाव? वॉइस चेंज, ग्रो इन हाइट, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये सब बदलाव जिस भी समय हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, इन चेंजेस से हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। दैट मींस कि हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं। यही चेंजेस हमें बताती हैं कि यू आर नाउ एन एडल्ट, अब तुम सेक्स करने के लायक हो गए हो। और इसी एज को, जिस एज में ये सारे चेंजेस आते हैं, हम उस एज को एडोलसेंस का नाम देते हैं, या एज ऑफ एडोलसेंस का नाम देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बताते हैं कि एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 इयर्स ऑफ एज। अब ये जो एडोलसेंस का उम्र है ना, वो कब से स्टार्ट होता है? जब हम 11 साल के होते हैं तब स्टार्ट होता है, और हम जब 18 और 19 इयर्स के हो जाते हैं तब जाके ये एज ऑफ एडोलसेंस एंड होता है, खत्म होता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, यहां पर कुछ मिसस्पेल्ड हो गया है, बस आप इतना टीन्स ही कवर करिएगा। टीन्स का मतलब क्या? जो 13 से लेके 19 के बीच में हो, ठीक है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, अब चूंकि 11 साल से 19 साल के बीच में ना ज्यादातर नंबर्स के पीछे टीन आता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 18, 19, ठीक है, इसीलिए इन एज वाले बॉयज एंड गर्ल्स को हम टीनेजर्स का नाम देते हैं। वही यहां पर बताया गया है कि एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। यहां पर देखो फिर मिसस्पेल्ड हुआ है, केवल टीनेजर्स यहां पर है, ठीक है। एडोलसेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? हम टीनेजर्स भी कह सकते हैं, मैंने पीछे भी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज, यहां पर बताया गया है लड़कियों की बात की गई है कि जो लड़कियों में ये एज ऑफ एडोलसेंस का समय होता है वो हो सकता है एक या दो साल लड़कों से पहले आ जाए। दैट मीन्स यहां पर ये कहा गया है कि हो सकता है लड़कियां रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी होती है उनकी वो 11 या 12 ईयर्स में ही आ जाए, लेकिन हम बॉयज की 13 या 14 ईयर्स में आती है, ठीक है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये तो चलो बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो गई कि बॉयज में लेट आता है एंड गर्ल्स में पहले आता है ये एज, लेकिन हो सकता है बॉयज और बॉयज में भी और गर्ल्स में भी ये वेरी करे। दैट मीन्स कि हो सकता है कि तुम्हारा फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल बूझो का एक फ्रेंड है, बूझो की हाइट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन सेम एज का बूझो का फ्रेंड है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है? काफी बड़ी है उससे। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स कि ये जो एज ऑफ एडोलसेंस है उसकी फ्रेंड की लाइफ में थोड़ा पहले आ गया है, इसकी लाइफ में थोड़ा बाद में आएगा। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी हाइट ग्रो कब हुई थी? 17 ईयर्स में हुई थी। मेरे बाकी क्लासमेट्स की हाइट 13 नहीं, इतना कह सकते हैं 15 तक तो एकदम फुल्ली ग्रो हो गए थे वो, ठीक है, तो ऐसा कुछ था। चलो यही कहा गया है कि द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो ये एज ऑफ एडोलसेंस होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोस सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, हमारे इंसान के शरीर में ना जब ये एज ऑफ एडोलसेंस का पीरियड चल रहा होता है तब बहुत बदलाव होता है, बहुत चेंजेस होता है। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अब ये जो बदलाव हो रहे होते हैं, किस तरीके के बदलाव? मैंने पहले भी बताया है आपको, वॉइस चेंज, हाइट ग्रो, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स, और भी कह सकते हैं लड़कियों में अगर बात करें तो ब्रीस्ट इनलार्जमेंट। जब ये सारे चेंजेस होते हैं ना तब हम कहेंगे कि वो प्यूबर्टी का एज हो गया है। प्यूबर्टी का एज का मतलब क्या होता है? अब पहले सिंपल भाषा में समझ लो कि हम 13 से 19 इयर्स के बीच को हम एज ऑफ एडोलसेंस का नाम देते हैं। सेम ऐसे ही इन 13 से 19 साल के बीच में 12 से 14 साल या 14 से 16 साल के बीच में एक समय आता है, इसी समय को हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है, हमारा हमारे प्यूबर्टी का उम्र चल रहा है, कैसे हमें पता चलेगा? चलो तो यहां पर हम बताते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज
जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी बॉडी में क्या होता है, इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, एज ऑफ एडोलसेंस अगर तुम्हारी चल रही है लेकिन तुम ऑन द स्पॉट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन नहीं करोगे. तुम्हारा एक समय आएगा, चाहे वो समय 15 साल पर आए चाहे 16 साल पर आए, प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है. और प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है तब हम रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं. ठीक है, तो बस वही समय जिस समय बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं उस एज को हम प्यूबर्टी का एज कहते हैं. समझ में आया? प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. अब हमने मान लिया कि प्यूबर्टी का पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं तब ये प्यूबर्टी स्टार्ट होता है. बट ये प्यूबर्टी एंड कब होता है, ये जो पीरियड है वो कब अंत होता है, तो मैं आपको बता दूं. पहले आप मान के चलो प्यूबर्टी का जो समय होता है वो ज्यादा से ज्यादा किसी में 2 साल तो किसी में 5 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, ऐसे ऐसे 2 साल से 5 साल के बीच में प्यूबर्टी का एज चलता है. और जब हमारे अंदर पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तब ये प्यूबर्टी का जो समय होता है वो खत्म हो जाता है. अब हमें आगे बढ़ना है. पहली एंड बुझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वर साइंस ऑफ एडोलसेंस. आप पहली और बूझो को ये रियलाइज होता है, ये समझ में आता है कि जो बॉयज की हाइट अचानक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो हेयरी लाइन, जो मूछों की लाइन हमारे होठों के ऊपर बन जाती है वो एडोलसेंस का एक साइन है. मतलब ये हमें बताती है कि अब हम धीरे धीरे एडल्ट हो रहे हैं. दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी. अब पहली और बूझो को ना प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, द एज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस. जिस भी उम्र में लड़के लड़कियां सेक्स करने या रिप्रोडक्शन करने की कैपेबल हो जाते हैं उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं. ये एज हमारे बॉयज में 14 से 16 साल और गर्ल्स में 12 से 14 साल के बीच में आता है. ठीक है, तो पहली और बूझो को प्यूबर्टी के टाइम और कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में वो जानना है. तो चलो हम बताते हैं इन दोनों को. नाउ हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, 10.2 चैप्टर नंबर 10 का सेकंड टॉपिक क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी. मतलब प्यूबर्टी का जब एज हमारी लाइफ में आता है तब हमारे बॉडी में और कौन कौन से चेंजेस होते हैं. तो सबसे पहला चेंज क्या है, इंक्रीज इन हाइट. हमारी हाइट, हमारी लंबाई बढ़ जाती है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है. तो द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट. अब जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे स्पेसिफिक बदलाव होता है हमारे शरीर में वो ये होता है कि जो हमारी हाइट है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल. अब ये जो समय होता है प्यूबर्टी का ना, इस समय हमारी हाइट कैसे इंक्रीज होती है, देखो जो हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि हमारे हाथों की हड्डियां हो गई, हमारे पैरों की हड्डियां हो गई, ये क्या होती हैं प्यूबर्टी की एज में इलोंगेट करती हैं. इलोंगेट का मतलब बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और इसी तरीके से एक इंसान लंबा हो जाता है. एक बच्चा क्या होता है, उसकी हाइट ग्रो हो जाती है. तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारी हाइट कैसे ग्रो होती है, जब भी हम प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी हाइट सडन इंक्रीज हो जाती है. कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, जैसे हाथ और पैर की जो हमारी हड्डियां होती हैं वो ग्रो करती हैं, और इस तरीके से इंसान लंबा हो जाता है. नाउ एक्टिविटी 10.1 बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है यार, ये कसम से जादू वाली एक्टिविटी है. इससे आपको जादू सिखाया जाएगा. इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्या पता चलने वाला है, अभी आप फॉर एग्जांपल 14 इयर्स के हो आप, और आपका दोस्त भी 14 इयर्स का है. अभी आप दोनों को पता नहीं है कि आप दोनों अभी आगे चलकर कितने और लंबे होंगे. अगर पता चल जाए तो कितना अच्छा रहे यार. चलो तो हम यही पता करेंगे कि हम कैसे अपनी लंबाई की, हम टोटल कितने लंबे होंगे अपनी लाइफ में, ये हम कैसे पता कर सकते हैं. कैसे पता कर सकते हो यार, आपको बहुत सिंपल सा यहां पर एक चार्ट दिया गया है. क्या चार्ट दिया गया है, कहा गया है कि एक जो एवरेज 8 साल का बच्चा होता है, अगर वो लड़का है
तो वो अपने टोटल हाइट का, अगर उसे 100% बढ़ना है तो वो अपने टोटल हाइट का 72% बढ़ चुका है, अभी उसे थोड़ा और बढ़ना है। अगर वही बच्चा 9 साल का हो गया तो वो अपने टोटल हाइट का 75% बढ़ा होगा। और अगर यहीं पर लड़कियां हैं तो लड़कियां 9 साल में 81% बढ़ जाती हैं। वहीं पर लड़के जहां पर 10 साल में 78% बढ़ते हैं, वहीं पर लड़कियां 84% बढ़ती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम 8 साल के होते हैं हम थोड़ा तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद 18 इयर्स तक हम 100% बढ़ जाते हैं, हमारी हाइट 100% ग्रो हो जाती है। तो अगर आपको ये पता लगाना हुआ, अगर आप फॉर एग्जांपल 12 साल के हो या आप 11 साल के हो या आप 14 साल के हो, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि अभी आप और कितना ग्रो करोगे, अभी आपकी हाइट और कितनी लंबी होगी, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले के सबसे ऊपर आपको लिखना है कि आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो 15 ईयर्स की एज में मेरी हाइट कितनी थी, मेरी हाइट थी 150 सेंटीमीटर, तो मान लो मैं यहां लिख दूंगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नीचे मैं लिखूंगा कि मेरी एज कितनी है, मेरी एज फॉर एग्जाम्पल 15 साल है, तो 15 साल में बॉयज कितना बढ़ गए होते हैं, वो 95% बढ़े हुए होते हैं, तो 95% नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऊपर क्या होगा 150 जितनी मेरी हाइट है प्रेजेंट हाइट, नीचे मेरी जो प्रेजेंट एज है, जैसे मेरी प्रेजेंट एज 15 साल है, तो 15 साल में मैं बॉय हूं तो मैं 95% बढ़ा हूं, तो 95 नीचे लिखूंगा 100 इधर लिखूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी वैल्यू आएगी मैं उतना ही लंबा और ज्यादा होऊंगा। वो वैल्यू सेंटीमीटर्स में आएगी, जैसे अभी आप 150 सेंटीमीटर हो सकता है ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आए वो 5% और बढ़ जाए, मतलब हो सकता है 170 हो जाए, 180 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी हाइट निकाल सकते हो। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है। अब 9 साल का लड़का है मतलब 9 इयर्स में लड़के कितना परसेंट बढ़ जाते हैं, 75% बढ़ जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब एक 9 साल का लड़का है, उसकी प्रेजेंट हाइट 120 सेंटीमीटर है, आपको पता लगाना है कि वो आने वाले समय में अभी और कितना लंबा होगा। इसके लिए क्या करना है, मैंने कहा था जो प्रेजेंट हाइट है उसको सबसे ऊपर रखना, हमारी प्रेजेंट हाइट 120 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो हम ऊपर लिखेंगे 120 सेंटीमीटर अपॉन जितना परसेंट, 9 साल में कितना परसेंट लिखा गया है ना यहाँ पर 75%, तो नीचे लिख देना 75 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जितनी भी वैल्यू आएगी आप अभी और इतने लंबे होने वाले हो, मतलब अभी आप अगर 120 सेंटीमीटर के हो तो आप 18 साल की उम्र में 160 सेंटीमीटर के हो जाओगे। तो है ना इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी, आई होप आपको इस एक्टिविटी को करने में मजा आया होगा। तो नाउ हम इसी चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। जो ये एक्टिविटी 10.1 अभी हम करके आए हैं, इस एक्टिविटी में कुछ डेटा दिया गया है, ये सारी देखो कि 8 साल में किसी भी बॉयज की टोटल हाइट से 72% हाइट बढ़ चुकी होती है, और टोटल हाइट कब बढ़ती है, 18 साल पे। तो ये सारी चीज डेटा यहां पर दी गई है जो मैंने अभी लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा, इस डेटा को आपको यूज करना है। अब क्या करना है, एक x एक्सिस बनानी है और एक y एक्सिस बनानी है। x एक्सिस पर आपको एज लिखना है, जैसे हमने यहां पर लिखा ना 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, तो आपको ये इस वाले x एक्सिस में लिखना है 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 18 तक लिख डालो, क्योंकि किसी भी बॉयज या गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 8 साल से बढ़ना स्टार्ट होती है और 18 साल में बढ़ना बंद हो जाती है। तो एज इन ईयर्स लिख दो और हाइट लिख दो कि अभी 8 साल में हमारी टोटल हाइट का हम कितना परसेंट बढ़ चुके हैं। जैसे यहां पर डेटा दिया गया है ना, यहां पर बॉयज के लिए अलग दिया गया है, गर्ल्स के लिए अलग दिया गया है, ठीक है। तो आप यही करोगे क्या, यहां पर 65 से लेके 100% तक लिख डालो, यहां लिखो 65%, 70%, 75%, 80%, इसी में सभी की हाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये जो रेड लाइन है ये बॉयज के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है ये गर्ल्स के लिए है। इसमें क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है कि एक 8 साल का जो बॉय होता है, रेड लाइन का मतलब लड़का, एक 8 साल का जो लड़का होता है उसकी टोटल हाइट का वो कितना बढ़ चुका होता है, यहां पर देखो 72% आएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर वही लड़का 9 साल का होता है
तो वो अपनी टोटल हाइट का कितना परसेंट बढ़ चुका होगा? 75% बढ़ चुका होगा। वहीं पर अगर वो लड़का 10 साल का हो जाता है तब वो अपनी टोटल हाइट का कितना बढ़ चुका होगा? 78% बढ़ चुका होगा। तो यही आपको लड़कों के लिए करना है, फिर लड़कियों के लिए भी बनाना है। लड़कियों के लिए भी कहां से आप बनाओगे? आप देख लो यहां पर कि लड़कियां 8 साल में कितना बढ़ती हैं, 8 साल में वो 77% बढ़ती हैं। तो आपको यहां पर मार्क कर देना है 8 ईयर्स। लड़कियों की लाइन कहाँ है? यहां पर है। 75 यहाँ हो गया, 76 यहाँ हो गया, 77, तो 77 हमारा यहाँ आना चाहिए। लड़कियां 9 साल में कितना बढ़ जाती हैं? 81%, तो 81% यहाँ आएगा, इसलिए ये ब्लैक डॉट यहां पर लगा है। वहीं पर लड़कियां 10 साल की उम्र में कितनी बढ़ जाती हैं? 84%। वहीं पर लड़कियां 17 इयर्स में कितना बढ़ जाती हैं? 100% बढ़ जाती हैं। मतलब लड़कियां 17 साल के बाद अब उनकी हाइट ऊपर आगे ग्रो नहीं करेगी, अब वो जितनी लंबी हैं उतनी ही लंबी रहेंगी। तो इस एक्टिविटी में आपको यही करना था। यहां पर तो ऑलरेडी दे दिया गया है, आपको क्या करने के लिए इसमें कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आप भी ऐसे एजेस लिख दो एक एक्स ग्राफ में और ऐसे परसेंटेज लिख दो वाई ग्राफ में। अब अपने दोस्तों से डेटा कलेक्ट करो। कैसे कलेक्ट करोगे? अगर तुम्हारा कोई दोस्त मान लो 13 साल का है तो उससे बोलो कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, तो देख लो तुम उसकी हाइट कितनी है। यहां पर हमने अभी परसेंटेज से निकालना सीखा ना कि हमने अगर हमें अपने दोस्त की एज पता रहे और अपने दोस्त की प्रेजेंट हाइट पता रहे तब हम बता सकते हैं ना कि वो कितने परसेंट बढ़ेगा। जैसे अभी हमारा दोस्त 12 साल का है तो वो अगर लड़का है तो वो अपनी टोटल हाइट का कितना परसेंट बढ़ चुका है? 84% बढ़ चुका है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां 9 साल का बच्चा अपनी हाइट का लड़का है तो 84% बढ़ चुका होगा। तो 84 कहां है? ये देखो यहां पर लगाओ। ठीक है, समझ रहे हो? ये देख रहे हो आप? चलो, तो ये आपको ये एक्टिविटी करनी है, इसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से और फिर कर लेना। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत के दिनों में जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? जब वो 10 या 11 इयर्स की होती हैं। वहीं पर बॉयज में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? जब वो 13 या 14 इयर्स के होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि गर्ल्स ग्रो फास्टर, जो गर्ल्स की हाइट होती है ना वो बॉयज के मुकाबले थोड़ा जल्दी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स में प्यूबर्टी है वो थोड़ा पहले आ जाती है, और जैसे ही चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जैसे ही वो 18 साल की उम्र तक होते हैं, जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। अब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होते हैं, मतलब अब इससे ज्यादा वो लंबे नहीं होंगे। अब हो सकता है कि आपकी बहन और आप सेम एज के हो, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की उम्र 11 साल है, हो सकता है आपकी बहन थोड़ा आपसे जल्दी बढ़ जाए, आप देखो उससे कि वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और आप वही टिंगू से हो सकता है ऐसा। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई, 18 साल तक वो जितनी लंबी हो रही है उतने लंबे तुम भी हो जाओगे, बट थोड़ा तुम धीरे धीरे होगे, थोड़ा स्लोली होगे। वही यहां पर बताया गया है, लेकिन द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब लड़के और लड़कों में भी डिफरेंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिस एज में आपका दोस्त लंबा हो गया हो उसी एज में आप भी लंबे हो जाओ। हो सकता है कि 14 साल आपकी भी उम्र है और 14 साल आपके दोस्त की भी उम्र है। हो सकता है आप टिंगू हो और वो लंबू हो गया हो, या हो सकता है आप लंबू हो वो टिंगू वो छोटा सा हो गया हो। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी हाइट जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ जाएंगे, भले हम किसी से धीरे बढ़ रहे हो या थोड़ा तेज बढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, कुछ बॉयज की या कुछ गर्ल्स की जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उनकी हाइट अचानक से ग्रो हो जाती है, और फिर ग्रो होने के बाद अब तेजी से ग्रो नहीं होती, अब धीरे धीरे ही बढ़ती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होती हैं जिनकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती है, मतलब धीरे धीरे कर कर बढ़ती है, उनकी हाइट अचानक से नहीं बढ़ जाती, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 18 साल की उम्र होते होते उनकी जितनी हाइट बढ़नी होगी वो टोटल बढ़ जाएगी। मतलब टोटल इस पैराग्राफ में इतना बताया गया है कि हमारी हाइट 13 इयर्स से लेके 19 इयर्स तक बढ़ती है। अब वो चाहे जब बढ़े, अब चाहे 14 साल की उम्र में बढ़ जाए, चाहे 16 साल की उम्र में बढ़े, या हो सकता है 19 साल के बाद भी बढ़े, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एक एवरेज क्या है?
18 ईयर्स ऑफ एज में हम फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं, हमारी हाइट टोटली बढ़ जाती है। चलो अब यहाँ पर पहली को एक टेंशन है, पहली को क्या टेंशन है, पहली कह रही है कि आई एम वरीड, मुझे एक बात की परेशानी है, दो आई हैव बिकम टॉलर, अब मेरी बॉडी तो लंबी हो गई है लेकिन माई फेस लुक्स मच स्मॉलर, लेकिन मेरा चेहरा काफी छोटा दिखता है कंपेयर टू माई बॉडी, मेरे शरीर के हिसाब से मेरा चेहरा काफी छोटा दिखता है, अब मैं क्या करूं, मैं काफी परेशान हूं। अब हम पहली को बताएंगे कि देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी, कोई जरूरत नहीं है पहली को चिंता करने की, क्यों, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, क्योंकि हमारे शरीर का हर हिस्सा एक ही स्पीड से नहीं बढ़ता है, हो सकता है आपके जो हैंड है, आपके जो पैर है वो थोड़ा जल्दी बढ़ जाए और आपका जो सर है वो थोड़ा कुछ दिनों बाद बढ़े, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सम टाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवर साइज, कुछ कुछ समय ऐसा होगा कि जो पैर और हाथ होते हैं हम टीनेजर्स के, टीनेजर्स या एडोलसेंट्स कह लें, हम 13 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पैर हाथ हो सकते हैं कभी ओवर साइज हो जाए, मतलब ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा लग रहा हो कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो आपके शरीर के बाहर है, आपका शरीर छोटा है, आपके पैर हाथ लंबे लंबे हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, जल्द ही कुछ दिनों बाद ही जो बाकी हिस्से जो नहीं बढ़े हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है, जैसे आपका सर ही है, जैसे पहली का सर, पहली क्या बताया, पहली ने कहा ना उसके हाथ पैर बढ़ गए हैं, उसका सर नहीं बढ़ रहा है, उसका फेस नहीं बढ़ रहा है, तो पहली क्या करेगी, थोड़ा दिन इंतजार करेगी और उसके फेस भी उसके पैर और हाथों के साइज में आ जाएंगे एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, और फिर उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, एक प्रोपोर्शनेट बॉडी हो जाएगी, एक परफेक्ट बॉडी हो जाएगी, एक रेगुलर बॉडी हो जाएगी, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। अब तुमने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा, क्या नोटिस किया होगा यार, कि जो एक इंसान होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम ही हो, तुम अपने आप को मान के चलो कि जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है तुम्हारे फैमिली मेंबर से तुम्हारी जो हाइट है वो ज्यादा हो, या हो सकता है तुम अपने फैमिली मेंबर्स से सबसे कम हाइट वाले हो, तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हाइट होती है ना वो किस पे डिपेंड होती है, दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, जीन्स, अब जीन्स क्या होता है भैया, हम पहनने वाली जीन्स नहीं यहां पर बात हो रहा है, अब देखो हमने अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जो लड़का होता है वो स्पर्म्स ट्रांसफर करता है लड़की के यूटेरस में, तो जो स्पर्म्स होता है ना उन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं, अब यही जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइट ग्रो होगी कि नहीं ग्रो होगी, मतलब अगर पेरेंट्स जैसे आपके जो पापा हैं, आपकी जो मम्मी है, उनकी हाइट अगर लंबी है तो आप भी लंबे होगे, अगर उनकी हाइट मिडिल है तो आप भी मिडिल साइज होगे, और अगर उनकी हाइट शॉर्ट है, छोटी है, तो आपकी भी हाइट काफी छोटी होगी। इट इज हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पापा मम्मी के भरोसे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है कि आपके पापा मम्मी मोटे तगड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आप भी आगे चलकर मोटे तगड़े हट्टे कट्टे होगे, नहीं, क्यों नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें सही प्रकार का खाना, ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, तुम्हें सही प्रकार का खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए इन ग्रोइंग ईयर्स में, ये जब प्यूबर्टी का एज आपका चल रहा हो ना, इसमें आयरन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो हो रही होती है, तो हमें विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, तो हम अपने खाने का ध्यान रखें इस एज में। दिस हेल्प्स द बोन्स, क्यों, क्योंकि अगर हम खाना अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो जो हमारी बोन्स है, जो हमारी मसल्स है, और भी जो हमारे बॉडी का हिस्सा है, जो हमारी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनको पोषण मिलेगा, एडिक्यूट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ, मतलब उन्हें जितना न्यूरिशमेंट चाहिए, जितना विटामिन मिनरल चाहिए उन्हें बढ़ने के लिए, उतना उन्हें मिलता रहेगा और हमारी बॉडी ठीक तरीके से ग्रो करेगी, और वहीं पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो बॉडी को वो विटामिन, वो मिनरल्स नहीं मिलेंगे जो उसे ग्रो करने के लिए
चाहिए, इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेशन। तुम देखोगे ना इसी चैप्टर के बाद में हमने ये डिस्कस किया है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो एडोलसेंट्स होते हैं, जिनकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में होती है, उनको कैसा खाना खाना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, मतलब उन्हें कितनी विटामिन्स लेनी चाहिए, उनको कितनी मिनरल्स लेने चाहिए, उनको कितने कैल्शियम लेने चाहिए, ये एज वाइज हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम दूसरे चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी में सबसे पहला तो हाइट बढ़ता है, दूसरा हमारी बॉडी का शेप भी बढ़ता है, मतलब हम मोटे पतले भी होते हैं। कैसे होते हैं, चलो आगे इसमें हम पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, क्या तुमने ये कभी देखा है कि जो तुम्हारे क्लास के लड़के हैं उनके जो शोल्डर्स हैं, उनके जो कंधे हैं वो काफी चौड़े हैं, और उनकी जो चेस्ट है, उनकी जो छाती है वो भी काफी चौड़ी है तुम्हारे जूनियर क्लास स्टूडेंट्स के मुकाबले। मतलब अगर एक फोर्थ क्लास का लड़का है तो उसके जो चेस्ट होंगे, उसके जो शोल्डर्स होंगे, वो काफी कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, पतले होंगे। लेकिन वहीं पर अगर वही लड़का नाइन्थ में है या टेंथ में है, अगर उसका प्यूबर्टी पीरियड चल रहा है, तो उसके जो शोल्डर्स होंगे और उसके जो चेस्ट होंगे वो काफी चौड़े होंगे। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइन्थ और टेंथ में लड़के हैं, जो क्लास एट्थ में है, जो क्लास नाइन्थ में है, जो क्लास टेंथ में है, वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं। और प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन, हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं। और कंधे चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। अब लड़कियों का कौन सा हिस्सा बढ़ता है, तो हम यहां पर बताएंगे कि जो लड़कियों में कमर के नीचे वेस्ट, वेस्ट बिकम्स वाइडर, जो वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी चौड़ा हो जाता है, जो हिप पोर्शन हम कहते हैं, ठीक है। आगे चलो पढ़ते हैं हम। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। हम बॉयज की शरीर में, हम बॉयज की बॉडी में जो मसल्स होता है वो थोड़ा तेज बढ़ता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है गर्ल्स के मुकाबले, ठीक है। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। और इसी के लिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि टीनेजर्स में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बॉयज में क्या होते हैं, बॉयज में मूछें आती हैं, गर्ल्स में मूछें नहीं आती हैं। बॉयज को बियर्ड्स आते हैं और गर्ल्स को बियर्ड्स नहीं आती हैं। वहीं पर गर्ल्स में ब्रीस्ट एनलार्जमेंट होता है, लेकिन बॉयज में ब्रीस्ट एनलार्जमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि चेंज इन बॉडी शेप प्यूबर्टी के पीरियड में दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर लड़का है तो उसके शोल्डर्स और चेस्ट फैल जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, और अगर वहीं पर लड़की है तो उसके कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो हिप पोर्शन आता है, वो वाइडर हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वॉइस चेंज पढ़ेंगे, जो इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। क्या कभी तुमने नोटिस किया है, क्या आपने कभी ये देखा है कि आपके क्लास के लड़कों के या लड़कियों की आवाज कभी कभी क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। क्रैक का मतलब फट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, जब 13 साल 14 साल का उम्र जो अभी आपका चल रहा है, जब ये स्टार्ट होता है ना, तो हमारे पास, हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है। आप अपने फिंगर्स से टच करो अपने नेक को, आप देखोगे एक हार्ड सी चीज है, उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी बॉक्स में से आवाज निकलती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स को हम लैरिनेक्स भी कहते हैं। प्यूबर्टी की एज में लैरिनेक्स बढ़ने लगता है, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है ये बढ़ने लगता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। अब जो लड़कों की वॉइस बॉक्सेस होती है वो लड़कियों के मुकाबले काफी बड़ी होती है। आप देखो आपका जो गला है उसमें एडम्स एप्पल निकला है। एडम्स एप्पल का मतलब आप देख रहे हो ये वाली चीज, ये देख रहे हो, ये लड़कों में आप देखोगे ज्यादातर निकला होता है, लेकिन लड़कियों में आप नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि जो बॉयज का वॉइस बॉक्स होता है वो लार्जर होता है, और वहीं गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज,
कैन बी सीन इज प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. हम इस बढ़ते हुए वॉइस बॉक्स को कैसे देख सकते हैं? जितना जितना वॉइस बॉक्स बढ़ेगा हम देखेंगे कि आदमी का जो एडम्स एप्पल है, ये जो प्रोट्यूडिंग पार्ट है, ये आगे आता जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे एडम्स एप्पल कहते हैं. इन गर्ल्स द लैरिनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. अब लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता. लड़कियों में क्या होता है, जो ये एडम्स एप्पल होता है ना, ये बहुत कम दिखाई देता है. ये बहुत, आप बहुत ध्यान से देखोगे तब गर्ल्स में आपको एडम्स एप्पल दिखाई देगा. क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि जो गर्ल्स का वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. अब जो लड़कियों का वॉइस बॉक्स होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से लड़कियों की जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड होती है. हाई पिच्ड का मतलब काफी पतली होती है. जो आप ये आवाज सुन रहे हो ये हाई पिच आवाज है, लड़कियों की आवाज ऐसी होती है. और वहीं पर वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, लड़कों के पास आवाज और गहरी हो जाती है, मतलब उनकी आवाज और ज्यादा मैनली वॉइस हो जाती है. जैसे आप अभी जो आवाज सुन रहे हो ये डीप वॉइस है, ठीक है. इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होअर्स. अब क्या होता है ना, एडोलसेंट बॉयज का मतलब ऐसे लड़के जिनकी उम्र 13 से 19 साल है ना, उनका जब वॉइस बॉक्स बढ़ने लगता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वॉइस बॉक्स का मसल्स होता है, हमने जब चैप्टर नंबर 13 साउंड पढ़ा था तब हम उसमें वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है. अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक है, वहां से जाके देख लेना, ठीक है. तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इंसान के वॉइस निकलती है वो एक मसल्स की वजह से निकलती है, और ये मसल्स ने ना वोकल कॉर्ड्स को टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है. तो यही मसल्स जब ग्रो होने लगती है, जब ज्यादा बढ़ने लगती है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब हमारी आवाज होवर्स हो जाती है, बेसुरी हो जाती है, या हम कह दें फटी फटी आवाज आने लगती है हमारे मुंह से. अब भाई फटी फटी आवाज आने लगती है मतलब कि अब यही पूरे लाइफ टाइम ऐसी ही आवाज रहेगी? नहीं. दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज. ये जो अवस्था, ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है जिसमें आपका आवाज खराब हो गया है, ये आपकी आवाज कुछ दिन तक खराब रहेगा, या हो सकता है एक हफ्ते दो हफ्ते तक खराब रहे, लेकिन उसके बाद आपकी आवाज नॉर्मल हो जाएगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉइस बॉक्स बढ़ रहा है, अपनी साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई आपकी आवाज कभी कभी होवर्स हो सकती है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी. नाउ एडम्स एप्पल देख रहे हो आप, ये इस चीज को हम कहते हैं एडम्स एप्पल, जहां पर ये निकली हुई हड्डी दिखाई गई है ना, इसी चीज को हम एडम्स एप्पल कहते हैं. चलो समझ में आया यहां पर. नाउ अब यहाँ पर ये टकला बूझो क्या बोल रहा है. बूझो कह रहा है कि मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स, जो मेरे क्लास के दोस्त है ना, उनकी कभी कभी आवाज फट जाती है, उनकी आवाज कभी कभी बेसुरी हो जाती है. अब मुझे समझ में आया कि उनकी आवाज बेसुरी क्यों हो जाती है. आपको समझ में आया कि उनकी आवाज क्यों बेसुरी हो जाती है? क्यों? क्योंकि मसल्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल. जो वॉइस बॉक्स के मसल्स होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज क्या हो जाती है? होवर्स हो जाती है. तो आई होप आपको ये पार्ट पढ़ने में बहुत मजा आया होगा यार. काफी डिमांड थी इस चैप्टर की, उतना ही प्यार दीजिए इस वीडियो को. हमने यार अपना 100% देने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स और कहीं नहीं दिए जा रहे होंगे. सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.